कभी नहीं बतलाता। हाँ, यह सच है कि उस दिन सुलोचना ही के सामने हम कुछ बोल नहीं पाए, इसकी वजह से सबने गलत समझ लिया। बाबा, अर्चना मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती है, हम सबकी जिंदगी का वो बहुत अहम हिस्सा है। बाबा, हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि श्रावणी को इस हालत में अकेला छोड़ दे? ये तो धोखा हुआ ना बाबा, वो हमारी जिम्मेदारी। बेटा, फर्ज, जिम्मेदारी, इन सारे शब्दों की अहमियत मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये सारी बातें प्यार के बलबूते पर बनी रहती है। लेकिन सच्चाई यही है बेटा कि तू श्रावणी से प्यार नहीं करता, तू ये सब श्रावणी के भविष्य के लिए कर रहा है ना? तो मेरी भी एक बात सुन ले बेटा, समझौते के नींव पर बने हुए रिश्तों की कभी उम्र नहीं होती और ना ही कोई भविष्य होता है। अच्छा होता कि मैं यहाँ थोड़ी देर पहले आती, मैं वहिनी को यहाँ से जाने नहीं देती। मैं उनसे विनती करती, उन्हें समझाती, उनके पैरों पर गिर जाती, लेकिन उन्हें घर से बाहर जाने नहीं देती। दादा, मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि अब तो एक दूसरे से अलग भी हो सकते हो। अरे, उसे समझाने से कोई फायदा नहीं, अब ये बड़ा हो गया है ना, अपने आई बाबा को क्या चाहिए, अपनी बहन को क्या चाहिए, इस चीजों की उसको अहमियत ही नहीं है। जाने दे। आई मैम। अरे, लेकिन अपने बारे में कब सोचेगी तू? श्रावणी के कारण तूने अपना बसा बसाया घर तोड़ दिया, अब आगे क्या, मानव के बगैर रह सकती है तू? नहीं है, नहीं रह सकती, लेकिन जीना तो होगा ना मुझे। और फिर अब आप सब लोग हैं ना मेरे साथ। अर्चु, अर्चु, आमी आहूं का मानव की जगह तेरी जिंदगी में और कोई ले सकता है क्या? वक्त सारे जख्म भर देता है आई। आई, तुझे याद है जब मैं 3 महीने के लिए मानव के घर पे जाने वाली थी, तो हम सब यही सोच रहे थे कि मैं 3 महीने वहां कैसे रह पाऊंगी। लेकिन देख, आज मैं वहां 3 महीने रहकर आई, और मैं अकेली नहीं आई, मैं वहां से अपने साथ बहुत सारी यादें लेकर आई। आई, 3 महीने पहले भी हमने हमारा मन बना लिया था ना तलाक के लिए, तो फिर आज क्यों नहीं? मैं मान चुकी हूं आई कि वो 3 महीने मेरे लिए एक सपने की तरह थे। आप लोग भी अगर ये मान लो तो आसानी होगी। देख, तेरी ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। यहां तो सबके सामने बड़ी बड़ी बातें करेगी तू, पर वहां अंदर रात रात भर जाकर तकिए में मुंह छुपाकर रोती रहेगी। तुझे क्या लगता है अर्जुन, तू अपना दर्द मुझसे छुपाएगी? हाँ अर्चना, मैंने हमेशा तुम्हारे हर फैसले की कदर की, लेकिन ये फैसला गलत है। इसमें तुम्हें सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ नहीं मिले। अर्जुन, तू हमारी बात समझने की कोशिश कर, हम तो तेरी खुशी चाहते हैं और तू आई बता। बस, अब इसके आगे कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटी, तुम्हारी इस फैसले से खुश तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं। एक तरफ जहां मैं दुखी हूं, वहीं दूसरी तरफ मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूं, क्योंकि मैं ऐसी बेटी का बाप हूं। Oh,
पापा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या गलती थी मेरी, बोलो ना पापा। 11 रुपए का प्रसाद बोल के 5 रुपए का चढ़ाती थी, उसकी सजा दी, बोलो ना। दामोदर जी को कितना यकीन था, हमेशा कहते थे पापा करेंगे, सब अच्छा ही करेंगे। क्या खाक किया बोलो ना। अगर मेरे कर्म बुरे हैं तो मुझे सजा देते पापा, मेरे बच्चों को क्यों देते? मुझे कुछ नहीं बोलना है। तुम उनसे बात नहीं करेंगे तो मैं किसके साथ अपना दर्द बांटूं, किसकी गोद में अपना सर रख के अपना मन हल्का करूंगा? तेरे सामने तो अपना मन हल्का कर सकता हूं, मैं मुझसे बात कर लू प्लीज। मैंने बताया था श्रावणी की जिम्मेदारी हम उठा लेंगे, फिर तूने ऐसा क्यों किया? बोल। श्रावणी की जिम्मेदारी हमने ली थी, फिर आज अपने स्वार्थ के लिए उसको इस समय कैसे धोखा देते हैं? ये सब तेरे संस्कारों पे उंगली उठाएंगे ना, और फिर सचिन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू बता, तू अर्जुन किसी बार रह सकता है तू रह सकता है ना? इस घर का कोई भी उसके सिवा नहीं रह सकता, तुम दोनों को एक होना पड़ेगा, तुम दोनों को एक होना पड़ेगा। मेरे लिए मानव से अलग होना आसान नहीं है, मैंने हर फैसले में उनका साथ दिया है और आज भी मैंने वही किया। मैं जानती हूं आई कि मेरे लिए इससे बड़ा नुकसान और कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी था आई। जो अपनी जिंदगी की कीमत देकर आई सत्यनारायण की पूजा में, मैंने मानव पर विश्वास नहीं किया था, और जब मानव का पूरा परिवार जेल में गया तो चाहकर भी मानव मुझ पर यकीन नहीं कर पाए, तब भी हमारे रिश्ते पर घाव लग चुका था आई। और ऐसा घाव लगा था आई कि वो कभी भर नहीं सकता था। एक दूसरे पर यकीन ना करने का ही हम नतीजा भुगत रहे अभी आयो, और कुछ नहीं। अरे तुझे पता, हम तो जो भुगत रहे वो भुगत रहे, लेकिन हमारे साथ साथ श्रावणी और वंदिता भी भुगत रहे। श्रावणी का तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वंदिता? हाँ, अगर मैं तलाक नहीं देती ना तो अजीत और रसिका काकी वंदिता की जिंदगी तबाह कर देते। आई, मुझे अजीत का फोन आया था। एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में ये डिवोर्स रुकने की बात आई ना, तो आंखें बंद करके वंदिता का चेहरा याद कर लेना, वहां तुम्हारा डिवोर्स रुका और यहाँ वंदिता को मैं
आई तू कहाँ जा रही है? कुछ हिसाब किताब बाकी है, उन्हें पूरा करके आती हूँ। Yes, yes, yes. आज हमारा बदला पूरा हो गया। जिसने आज तेरी शादी तुड़वाई थी, आज उसी की शादी टूट गई। अब बैठी रहेगी अपने आई के घर जिंदगी भर। और बार बार उस पल को याद करके पछताएगी जिस पल उसने हमसे पंगा लिया। सुलोचना भैया, आप इस वक्त यहाँ? आइए ना, आइए। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है? ताई, देखिए ना, आपकी बच्ची का घर टूटा है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जाइए, उसे संभालिए, उसे सहारा दीजिए। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जो फैसला करती है उसकी जिम्मेदारी वो खुद संभालती है। इस सदमे से उभरने के लिए उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप को संभाल सकती है। वेरी गुड ताई, जरा हम भी तो देखें उसकी ये ताकत कहाँ टिकती है। ये तो बताइए, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आपको आपके घिनौनेपन और कमीनेपन का एहसास दिलाने के लिए आई हूँ। ताई, आज आप मुझसे सभ्यता की उम्मीद ना करें तो ही अच्छा है। आपने मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है, उनकी हस्ती खेलती जिंदगी में आग लगाई है आपने। अरे हमने क्या किया है? उसे ही महान बनने का शौक था। महान तो वो है ही, और ये भी उतना ही सच है कि श्रावणी की खुशी के लिए उसने ये त्याग किया है। लेकिन इन सारे हालातों का जिम्मेदार तो यही है ना, ये आपका नालायक बेटा अजीत। देखिए आप, चुप। आज अगर तुमने एक भी शब्द बोला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। रसिका ताई, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही वो मेरा स्वभाव है और ना ही वो हमारे घर के संस्कार है। हम चाहे तो भी आपके जितना गिर नहीं सकते। लेकिन एक बात का एहसास तो मैं आज आपको करवा के ही जाऊंगी। बहुत बुरा किया है आपने। आपने मेरी बेटियों के साथ जो किया है ना, उसकी कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। और कोई देखे ना देखे, लेकिन जो कुछ आप कर रही है ना वो पापा देख रहे हैं, और जब उसकी लाठी पड़ेगी ना आप चू तक नहीं कर पाएगी। आज आपने मेरी बेटियों को सुख के लिए तरसाया ना, एक दिन आपका ये बेटा भी सुख के लिए तरसेगा। आज मैं रो रही हूँ अपनी बेटियों के लिए, एक दिन आप भी रोएंगी इसके लिए। मेरी बेटियां तो इस भंवर से बाहर निकलेंगी, लेकिन जिस दिन अजीत फंसेगा ना, आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आप उसे बचा नहीं पाएंगी। ये एक आई की हाय है, और ये हाय इसे लग करी है। और हाँ, जहां तक अर्चना और मानव का सवाल है, मुझे अब भी यकीन है वो दोनों एक होकर ही रहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए,
मुझे पता है कि आपको मुझसे बहुत उम्मीदें थी और मैंने आपकी उम्मीदें तोड़ी। क्या मैं सच बोलता हूँ, मैं और अर्चना पहले से। अर्चना ने मुझे सब कुछ बताया। देखा जाए तो गलती ना तुम्हारी थी ना अर्जुन। मैं ही तुम दोनों की चुप्पी को हाथ समझ बैठी, लेकिन क्या करूं, आई हूं ना अर्जुन की। जब भी उसकी खुशी के बारे में सोचती हूं तो हालात हकीकत सब कुछ भूल जाती हूं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। थोड़े समय के लिए मैं भूल ही गई थी कि अर्जुन के लिए और उसके मानव के लिए अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, अपनी खुशियां भी नहीं। जो होना था वो हो गया है, लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली। मैं कल भी आपका बेटा था और आज भी आपका बेटा। जब कभी भी जरूरत पड़े ना आए तो हक से मुझे बुलाइए, मैं हमेशा आऊंगा। नसीब वाली है सविता दे कि उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। नमस्ते, मैं ख्याल रखना। देखा मानव, यह है हमारी ताकत। आखिर तुम्हें और अर्चना को हमारी ताकत के सामने झुकना ही पड़ा। कहा था मैंने पंगा मत लो, नहीं सुना? अजीत बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं। कलेजे में ठंडक पड़ गई है मेरे। तुम्हारी और अर्चना की वजह से बहुत गुस्सा आया हमने, लेकिन कोई बात नहीं, अब सारे अपमानों का बदला पूरा हो चुका है। माना कि पूरी दुनिया रो रही है, मातम मना रही है, लेकिन यहाँ हमारे घर में हम खुशियां मनाएंगे। इतने खुश क्यों है? आपको ऐसा लगता है कि आप जीत गए तो आपकी गलतफहमी। मैंने और अर्चना ने तलाक अपनी मर्जी से लिया है, श्रावणी के बारे में सोच के। दिल से मैं और अर्चना आज भी उतने ही करीब हैं, बल्कि उससे ज्यादा करीब है जितना कि पहले थे। कोर्ट और सरकारी कागजों से बहुत ऊपर है हमारा ये पवित्र रिश्ता का कि हम चाहे साथ में रहे ना रहे, ये रिश्ता ऐसे ही बरकरार रहेगा। हाँ हाँ, क्यों ना हो, क्यों ना हो। जैसे भी है, जो भी है, अर्चना है तो आखिर वर्षा की बहन। जिस तरह वर्षा ने अपने शादीशुदा बॉस के साथ नाजायज तालुकात रखे थे, उसी तरह अर्चना भी अपने शादीशुदा मानव के साथ नाजायज तालुकात रखेगी।